circuit containing capacitance only, बस AC circuit containing capacitance के अंदर E की value is E naught sin omega t. ये step clear है, ये हमने apply की. हम देखना चाहते हैं कि इसमें current क्या होगा. पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये resistance offer करता है. capacitor में अगर आप continuously current को change करोगे या EMF change करोगे तो capacitor आपको अपोज करेगा. आपको वो कैसे अपोज करेगा? हमने ये कैपेसिटर में स्टडी नहीं किया क्योंकि हमने कैपेसिटर की वर्किंग किस करंट के साथ की थी? डीसी. हमने एसी के साथ नहीं की. हमने इंडक्टर के अंदर बहुत डीपली स्टडी किया, उल्टा एक पूरा चैप्टर स्टडी करना पड़ा म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के ऊपर. हमें पता है कि अगर इंडक्टर में अगर ईएमएफ को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट तो होती है. कैपेसिटर की मैथमेटिकल वर्किंग हम नहीं कर रहे, हम डीप में नहीं जा रहे, पर मैं आपको वैसे नॉलेज से बता देता हूँ. कैपेसिटर के अंदर क्योंकि जब करंट चेंज होगा तो इसके चार्जेस हर वक्त चेंज होंगे, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हम एक चैप्टर करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगला चैप्टर यही है, वो यहीं से स्टार्ट है. हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा किसी भी स्पेस में, इस रूम में भी अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाता है. एक स्टेटमेंट है कि देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, नेचर में सिमेट्री है. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल तो हमने डायनेमो में सीखा, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स हमने चेंज किया था, देखो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही जनरेट हो गई थी. तो ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी फील्ड की एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है और आप फील्ड को कैसे भी स्टडी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक. तो अगर फील्ड की एनर्जी कांस्टेंट है, मान लो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम कम करेंगे तो वहां पर क्या अराइज हो जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी, ताकि टोटल सम विल रिमेन सेम. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर कम होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप ओरिजिनेट हो जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाए, ताकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी यूनिवर्स की. तो ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, पर यहां असली बात ये है क्योंकि आप प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप चेंज हो जाएगा और चेंज को कैपेसिटर की प्लेट्स हमेशा हमेशा क्या करेंगी? अपोज. जब वायर अपोज करती है तो प्लेट्स भी तो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये अपोज करेगी. इससे मैथमेटिकल और इससे डीप आपको किताब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा. इतनी स्टेटमेंट भी किताब के अंदर नहीं गिवन, बस वो कहते हैं अपोज करते हैं, बात खत्म, क्योंकि इतनी डीप में हम जाते नहीं. पर वैसे मैं बता रहा हूँ कि चेंज जहां पर होगा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स, प्लेट्स हमेशा उसे अपोज करेंगी करेंगी. तो इसके अंदर मैंने ईएमएफ इतनी अप्लाई की, ई की वैल्यू क्यू बाई सी, याद है कैपेसिटर का चैप्टर, क्यू इज सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, या वी क्या है? क्यू पॉन सी. E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? चार्ज. तो ये इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया, Q की वैल्यू आ गई जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज. तो ये Q आ गया. अब Q आ गया, करंट क्या होगा? I करंट विल बी इक्वल टू व्हाट? dQ बाय dt. तो यहां पर आप Q की जगह वैल्यू पुट करो C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करो C E नॉट d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा टी. साइन की डिफरेंशिएशन क्या है? साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी. तो ओमेगा बाहर आ गया, तो करंट की वैल्यू सी ई नॉट ओमेगा इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक. अब एक चीज और नोट करो, जो करंट की वैल्यू आई वो किस में आ गई? कॉस में. ईएमएफ किस में थी? साइन में. तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं इसमें, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसका? ईएमएफ का और टाइम का. तो करंट की इक्वेशन किसके इक्वल आ चुकी है? करंट की इक्वेशन इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये लो. तो ईएमएफ की इक्वेशन अगर मुझे वेवफॉर्म ड्रॉ करना हो तो साइन का वेवफॉर्म होगा, लेकिन अगर करंट का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो साइन नहीं है, वो किस में होगा? कॉस में होगा. और कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से. तो वेवफॉर्म कुछ ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे इसमें इसमें बना हुआ है. ये रहा, ये सही वेवफॉर्म है, ये रहा. ये देखो ईएमएफ चेक करो साइन में है और कॉस फंक्शन ये रहा.
ऊपर से स्टार्ट हो, वैल्यू पे मत जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट देखो। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट से पहचान में आएगा, वो पूछ लेगा कि डायग्राम को देखते हुए बताओ कि कौन सा इंडक्टर का है और कौन सा प्योर कैपेसिटर का है। तो जिसमें तो ग्राफ करंट का ऊपर से स्टार्ट होता है कॉस, वो तो कैपेसिटर का है, जिसमें नीचे से स्टार्ट होता था वो इंडक्टर का है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक? तो ये वेवफॉर्म्स क्लियर है यहां तक। इन वेवफॉर्म्स के बाद आपके पास जो करंट है सी ई नॉट ओमेगा कॉस ऑफ, ये रहा, ये करंट आ गया। इसको अब अगर स्टडी करना है और कंपेयर करना है विद ईएमएफ तो एक प्रॉब्लम है। ईएमएफ का फंक्शन किसमें चल रहा है? साइन में, और ये किसमें चल रहा है? कॉस में। तो अब एक काम करते हैं, दोनों को या तो साइन में ले लेते हैं या दोनों को कॉस में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सी ओमेगा को इसके नीचे ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, वन बाय सी ओमेगा। कोई फर्क नहीं है, सी ओमेगा ऊपर लेके जाओगे तो सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक काम करते हैं, इस टर्म को आई नॉट बोल देते हैं, मैक्सिमम करंट, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय सी ओमेगा, और ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं, मैंने यूज किया पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी। कोई स्टूडेंट बोला सर पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी भी तो कर ही सकते थे, कर सकते थे, वो भी सही है, ये भी सही है, पर ये ज्यादा कन्वीनियंट है। उसका आंसर दूंगा ये कन्वीनियंट क्यों है, बट आप वैसे भी कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आपने क्या यूज किया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब एक चीज, इसको बॉक्स में डालो प्लीज, असाइनमेंट में इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में डालो या हाईलाइट करो। तो इसका मतलब कि करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब चेक करो, ईएमएफ का अगर किसी भी इंस्टेंट पर फेज या एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, जबकि इंडक्टर में क्या था? माइनस पाई बाय टू, इसमें क्या है? प्लस पाई बाय टू। मतलब इसमें करंट आगे है, ईएमएफ पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, 90 डिग्री। कोई डाउट इसमें? और अगर इसी बात को फेजर से रिप्रेजेंट करूं तो फेज देख लो, अगर ईएमएफ का वेक्टर कितना है? ओमेगा टी। इधर इधर ईएमएफ का एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो करंट का एंगल इस ईएमएफ, इसको छोड़ दो, ईएमएफ से आगे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। ठीक, आगे जाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना। तो अगर ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी तो करंट को आगे की तरफ लेके जाओ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? फेजेस समझ में आ रहे हैं? तो फेजेस का मतलब इतना मैथमेटिकल डिस्कशन ना करना, बस डायग्राम से बता देना कि कौन आगे और कौन पीछे। आपको फेजेस स्टडी करने आने चाहिए। तो क्योंकि मैंने करंट आई नॉट को क्या पुट किया था, ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय सी ओमेगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इनटू 1 बाय सी ओमेगा। तो अगर मैं इसमें ओम लॉ लगाऊं तो ईएमएफ इज करंट इनटू, ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस। पर अगेन ये रेजिस्टेंस किसने ऑफर की? कैपेसिटर ने। तो इसको R से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसका सिंबल चेंज करेंगे, इसका सिंबल है XC, और इसका नाम भी चेंज करेंगे, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC का फॉर्मूला 1 बाय C ओमेगा। तो अब कुल मिलाकर हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हो चुकी हैं, एक तो पुरानी R, एक XL, एक XC। XL का मतलब L ओमेगा, XC का मतलब 1 बाय सी ओमेगा। क्लियर यहां तक? अगर डीसी करंट पास करें तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? डीसी का ओमेगा क्या होता है? 0, 1 बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यानी कि XC क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब डीसी करंट पास होगा। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो कि वो डीसी करंट को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देगा, इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस शीट के साथ आप शीट नंबर
हैंड रिटन ओपन करो, लास्ट टाइम दी थी मैंने आपको,